ओके बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का. व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल है बेटा, उनके एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो यानी अपॉन क्या होता है. तो लेट्स सी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस. अब क्या बेटा इसका मतलब, पढ़ तो लिया मैंने, चलो आराम आराम से देखो. दिस इज वन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. एडी इज वॉट? हाइट. फिर बेटा और एक ट्रायंगल है यहां पर, यह बनाया मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर. दिस इज वर्टेक्स, यहां से निकलेगी हाइट और ये रहेगा इसका बेस. दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइट. तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस. अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा एरिया, क्या नाम है बेटा एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका बेस कौन है बीसी, हाइट कौन है बेटा एडी. तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब नेक्स्ट ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो बेटा हाइट यहां से निकली है वर्टेक्स से, तो दिस विल बी हाइट. नाउ व्हाट अबाउट बेस, तो इसका जो बेस रहेगा वो क्यू आर रहेगा, क्यू आर बेस. बेस क्यू आर क्यों बेटा, व्हाई नॉट एम आर, बिकॉज ट्रायंगल कहां से कहां तक ड्रॉ है पी क्यू आर, तो इसका बेस होगा क्यू आर नॉट एम आर. तो यह बनेगा हाफ इंटू बेस किसका रहेगा क्यू आर, हाइट कौन रहेगी पी एम. दिस इज हाइट, दिस इज बेस, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया. ये इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब क्या लिखा है यहां पर स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज है इक्वल टू. तो बेटा एबीसी का एरिया क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल. What will remain? BC into AD upon QR into PM. So what? The ratio of areas of two triangle. यह है बेटा दो triangle, इनके area का ratio, यह है area का ratio is equal to किसके equal है बेटा, ये ratio of, ratio है upon product, product यानी multiply, किसका multiply, corresponding height and base. तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. तो क्या समझ में आया बेटा, जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स इनके एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो क्या लेंगे आप, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ऐसे ले लेना बेटा डायरेक्ट. दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ऐसा डायरेक्ट ले लेना जब भी क्वेश्चन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. आई बात समझ में, सपोज बेटा अगर बेस सेम है तो बेस बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल. अगर हाइट सेम है दोनों की हाइट तो बेटा क्या कैंसिल, हाइट कैंसिल, किसका रेशियो बचेगा, बेस का रेशियो. आई बात समझ में. सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द टॉपिक, अगर क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है और उनके एरिया का रेशियो पूछा है तो आप तुरंत क्या लेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ऐसा ले लेना और प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देना. अंडरस्टैंड?
ओके।